आज हम बना रहे हैं परांठा, वो भी बिल्कुल सिंपल वाला, जो हम घर में सूखी सब्जी बनाते हैं, जैसे आलू बनाएं या कोई भी टिंडे बनाएं, कोई भी सूखी सब्जी हम बनाते हैं तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इनको बना के भी रख दो तो तब भी ये ख़राब नहीं होते इतनी जल्दी। उसके लिए क्या करें, ये बिल्कुल नॉर्मल वाला आटा जो हम डेली खाना बनाने के लिए लगाते हैं। सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख लेते हैं, छोटे बड़े जितने भी आपको जैसे भी बनाने हैं वैसे लोइयाँ बना के पहले रख लें, फिर हम इसके सिंपल वाले परांठे बनाएंगे जो सूखी सब्जियों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये जब हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उसमें काम आते हैं, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में, बड़ों के लंच बॉक्स में, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम परांठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लोई ले ले, लोई लेने के बाद थोड़ा सा आटा डस्ट कर ले और इसको रोटी की तरह बेल ले। अब हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पे थोड़ा सा घी लगा देंगे, घी तेल जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा लें और इसको अच्छे से फैला दें। अब हम क्या करेंगे, ये एक जो है इसको इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, जैसे डबल कर देंगे इसको। डबल करने के बाद इसको ऐसे उठाएंगे और ये ऐसे रखेंगे, इसके जो नीचे ही है ना ये इन दोनों को आपस में मिला देंगे और ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेते हैं, हल्का सा आटा डस्ट करें, ज़्यादा ना करें, और इसको पतला बेल देंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। तवे को मैंने गर्म कर लिया, अब हम इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। अब इसके ऊपर ये एक तरफ से बबल्स आ गए, अब इसकी साइड चेंज कर दें। जैसे जैसे हमारा परांठा सिकता जाएगा वैसे वैसे आप देखना ये सब ये खुलते जाएंगे। अब मैं इसको घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी बनाऊंगी। हमारा क्रिस्पी शानदार परांठा बनकर तैयार है। ऐसे ही मैं सारे परांठे बना दूंगी। आज हम बना रहे हैं जीरा आलू, जो परांठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप इनको सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, कहीं ट्रेन में जाओ, पिकनिक में जाओ, ये हर जगह बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, आलूओं को सबसे पहले मैंने बॉयल कर लिए, बॉयल करने के बाद उनका छिलका उतार दिया और अब मैं उनको छोटा छोटा काट रही हूँ, फिर इसके बाद हम इसको जीरा आलू बनाएंगे। हरी मिर्च को मैंने छोटा छोटा काट दिए, अब अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करें, अदरक, कच्ची हल्दी, मसाले स्वाद अनुसार, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर, हींग, चाट मसाला और गरम मसाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरा आलू है सरसों के तेल में बनाएंगे और सबसे पहले हम इसमें जीरा ही डालेंगे। अब इसमें हम आलूओं को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे, मसाले बाद में डालेंगे।
अब इनको लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक ऐसे ही हल्का सा कुक होने दें। इससे एक तो ये क्रिस्प कराड़े हो जाएंगे और साथ में आलूओं का जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो भी निकल जाएगा। लेकिन इसको ढके नहीं, ऐसे ही पकाएं क्योंकि हमने बॉयल किए हुए हैं। आलू बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इसमें सब मसाले भी मिक्स कर दें और धनिया पत्ती भी डाल दें। हमारे झटपट से जीरा आलू बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया जीरा आलू बने हैं हमारे।